Hello, ma'am. How are you? Hello, I'm fine, ma'am. How are you? So doing very well. So my name is Priya Sigroha, and we will be conducting the interview regarding your experience of practical and overall experience in CRSU University. So give some introduction about yourself, Rajeshwari ma'am. माय नेम इज राजेश्वरी और मैंने सीआरएसयू से बीएड कंप्लीट किया है। मेरे सब्जेक्ट्स कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स थे और मुझे टीचिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो अब मैं बीएड के बाद एचटेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एमकॉम किया है इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। ओके, यू हैव डन योर बीकॉम, देन योर एमकॉम, एंड देन यू हैव टेकन एडमिशन इन बीएड. यस मैम। अच्छा, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस और कहीं और आपने जॉब की हो? नो मैम, एक्सपीरियंस अभी जॉब मैंने इससे पहले मैंने मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, बट मैंने जॉब नहीं कहीं की है अभी तक। ऑनलाइन ही थोड़ा बहुत मैंने अदर सेक्टर्स में किया है। नेट यस, जे आर एफ इन विच सब्जेक्ट यू हैव डन? कॉमर्स मैम। रियली ग्रेट, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, थैंक बिकॉज यू मैम। नेट जे आर एफ निकालना इतना आसान नहीं है, एंड दैट्स रियली ग्रेट. थैंक ओके यू सो मैम, मच मैम। ओके. नाउ कमिंग टू योर कॉलेज, फ्रॉम विच कॉलेज लाइक यू हैव डन योर बीएड? श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोहाना ओके, वेरी इन गुड. सोनीपत। यस मैम। यू स्टेज इन सोनीपत ओनली और नियर बाय? यस मैम, इन सोनीपत। ठीक है. नाउ कमिंग टू द सीआरएसयू ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस आपका 2 साल का यूनिवर्सिटी के साथ रहा? एक्सपीरियंस मैम ऐसा था कि स्टूडेंट्स की जो चेक करने की इनकी है, इवेल्युएट करना, इन्होंने एग्ज़ाम्स लिए। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने नोटिस किया कि एग्ज़ाम्स के बिना इन्होंने ऐसे ही पास नहीं किया सबसे पहले। तो ये चीज़ उस टाइम पे थोड़ी लगी थी कि नहीं, हमें भी ऐसे ही कर देते पास, बट बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ थी यूनिवर्सिटी की कि उन्होंने एग्जाम्स लेके इवेल्युएट किया, ना कि ऐसे ही हमें नेक्स्ट सेकेंड ईयर में प्रमोट की कर दिया गया। यस मैम। देखो, ये चीज अच्छी इसलिए भी हो जाती है. आपने अभी, मैं जोक्स पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन मीडिया पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कुछ भी गलती कर देता है ना कोई, तो बोलते हैं ये इसने पक्का ऑनलाइन क्लास से पढ़ा होगा. ठीक है, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है. कोई आप पे लाइक एक ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, अरे तुमने तो कोविड के टाइम में ऑनलाइन किया है, तो यस मैम। वो ऑब्जेक्शन हट जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक होता है, राइट? यस मैम। और यूनिवर्सिटी ने जो ये चीज की थी कि बैक साइड में मिरर लगाना है, माइक ऑन रखना है, तो इन सब की चीजों से बहुत मतलब इफेक्ट पड़ा था कि हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे कि तुमने ऐसे एग्जाम्स दिए हैं, कैमरा तो ऑफ था, तुम्हारा माइक ऑफ था, तुमने चीटिंग की होगी। ये सब क्वेश्चंस से हमें बचा लिया यूनिवर्सिटी ने। एग्जैक्टली, ये यस बहुत मैम। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ भी आई थी. आई थिंक हरियाणा में सीआरएसयू एक पहली यूनिवर्सिटी है जो काफी सारी चेंजेस लेकर आ रही है. ठीक यस है, अब मैम। चेंजेस देखो कभी भी आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स पॉजिटिव में होते हैं, कुछ नेगेटिव में होते हैं, बिकॉज कुछ लोग चेंजेस के लिए रेडी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं. कभी लगता है कि हमसे ही वो शुरुआत क्यों, तो कई बार ये चीजें भी आ जाते हैं. सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द यूनिवर्सिटी. 2021 में उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए थे, एंड 22 में तो सब कुछ स्टेबल था, कोविड नहीं था, तो ऑफलाइन ऑफलाइन। एग्जाम्स में हम वापस से आ गए थे, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द कॉलेज एक्सपीरियंस, तो कॉलेज के एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करना चाहोगे? कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ पॉजिटिव फीडबैक हो? वहाँ का जो मैम स्टाफ था बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे वो। फर्स्ट ईयर में हमारे जैसे कॉलेज में लॉकडाउन वगैरह सब था, जैसे सारी जगह, तो मतलब कॉलेज ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस ली। रेगुलर हमारी मैम क्लासेस लेती थी हमारी। ऐसा नहीं होता था कि नहीं खुद से पढ़ लो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि बस उन्हें पता ही नहीं होता है कौन टीचर्स हैं हमारे, कौन क्या है, कौन सा कॉलेज है, बट नहीं, हमारी मैम ने ऑनलाइन क्लासेस ली हमारी फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में भी हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस था, जब हमें ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, उसके रिगार्डिंग में बहुत कोऑपरेटिव थे हमारे टीचर्स और बहुत हेल्प की थी उन्होंने हमारी, सभी स्टूडेंट्स की। तो बहुत तो अच्छा एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन था। अच्छा रहता था, आपको जब यस कोई डाउट मैम। होते थे तो कॉलेज हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा यस है. मैम।
और ऐसा ही नहीं था कॉलेज में कि सिर्फ आप जब कॉलेज टाइमिंग्स है उसी में मतलब टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, बाद में भी हम कभी जैसे उनके हेल्प के लिए कभी भी कॉल करके उनसे हेल्प ले लेते थे, तो बहुत अच्छा स्टाफ था कॉलेज का। यस मैम, बहुत अच्छी बात है ये कि कॉलेज की स्पेशली। यस मैम, आप कॉलेज का नाम हाईलाइट करना चाहोगे? मैम वी विल डेफिनेटली लाइक टू अप्रिशिएट द कॉलेज फॉर दिस। यस मैम, क्या नाम बताया आपने कॉलेज का? श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यस मैम, कॉलेज को बहुत बहुत बधाइयाँ इस चीज के लिए कि स्टूडेंट्स का इतना ध्यान रखा जा रहा है, एंड डेफिनेटली ये नीड भी है, राइट? यस मैम, बहुत नीड है, बिकॉज देखो हरियाणा स्टेट में ना बहुत बार बीएड को लेके क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ही एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है अभी तक, ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐसी चीजों के साथ आए सो दैट एक क्वालिटी मेंटेन रखी जा सके और क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो, राइट? तो वो डिग्निटी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मेंटेन कर रहे हैं, आपका कॉलेज जो है उसमें से एक है। यस मैम, अब बात करते हैं मैम प्रैक्टिकल्स की। पहले तो बात तो आपने रिसेंट में अभी सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स दिए होंगे। यस मैम, कब था आपका प्रैक्टिकल? मेरा मैम 23 को, टू डेट्स मिली थी हमें, 23 एंड 24, मैंने 23rd सितंबर को दिया था। अच्छा, तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रोल नंबर वाइज आई थिंक। यस मैम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज हुई बेसिकली? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्सटर्नल्स क्लास में जब आए तो सबसे पहले उन्होंने हमसे जो भी हमने मटेरियल प्रिपेयर किया था, टीचिंग फाइल्स, फाइनल लेसन प्लान, चार्ट्स, वो सब देखा। उसके बाद हमें बोला कि ठीक है डेमो स्टार्ट करो। देन मैंने अपना डेमो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के साथ स्टार्ट किया। देन मैंने टॉपिक अनाउंस किया और अपना डेमो मैंने दिया। सबसे पहले मैंने कॉमर्स का डेमो दिया, देन इकोनॉमिक्स का। तो उन्होंने हमें बोला कि आपको सिर्फ 5 to 6 मिनट्स में ब्रीफ देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है वो हमारा ओनली कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है इनमें, वो ये नहीं देखते कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है वो ओवरऑल हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, हम क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी आवाज़ सब बच्चों तक जा रही है या नहीं, हम टीचिंग एड्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये सब चेक करते हैं। उन्होंने 5-6 मिनट्स में मैंने ठीक है ब्रीफ दे दिया। देन उन्होंने बुलाया अपने पास और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ वाली जो फाइल थी उसमें से क्वेश्चंस किए। सबसे पहले उन्होंने फाइनल लेसन प्लान मेरा देखा था, तो उसमें मुझसे मैंने जो प्रिपेयर किया था फाइनल लेसन प्लान, उसमें मैंने सबसे पहले टीचिंग पॉइंट लिखा था, देन मैंने प्रिपेयर टीचर्स एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ऐसे करके मैंने बनाया हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज टीचिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन किया उन्होंने सबसे पहले मुझसे। तो मैंने बताया उन्हें कि हम पूरे अपने लेक्चर में किस चीज पर फोकस करने वाले हैं वो टीचिंग पॉइंट होता है। देन उन्होंने पूछा ओके कंटेंट एंड की पॉइंट क्या होता है, तो कंटेंट एंड की पॉइंट में मैं कंफ्यूज हो गई थी एकदम। मुझे मैंने बोला कि कंटेंट तो जो सारा कंटेंट होता है वो होता है, देन फिर एकदम से माइंड में आया कि नहीं, किसी किसी बुक्स में हम देखते हैं जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो कंटेंट लिखा होता है, कहीं की पॉइंट लिखा होता है ना। तो सर ने फिर मुझे वहां पर करेक्ट किया और मुझे बताया कि ये तीनों सेम चीजें हैं। तब मुझे माइंड में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि यस सर, ये तीनों चीजें सेम ही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया फॉर्मेटिव, क्या था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट बता दिया मैंने, कोर स्कॉलेस्टिक एंड स्कॉलेस्टिक चीजों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और इसमें कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता है स्टूडेंट का। तब फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा सम्मेटिव बेटर है या फॉर्मेटिव। तब मैंने उन्हें बताया कि फॉर्मेटिव बेटर है, क्योंकि सम्मेटिव में तो हम फाइनल एग्जाम्स और मिड टर्म में ही बस इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट को, और फॉर्मेटिव में कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता रहता है, तो फॉर्मेटिव इज बेटर। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया टीचिंग मटेरियल्स क्या है, क्या होते हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि टीचिंग को और एनहांस करने के लिए एड्स होते हैं, और ये
थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड भूल गई मैम, ऑडियो विजुअल, यस मैम, ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो विजुअल एड्स, यस मैम, मैंने यही बताया, अभी मैं भूल गई, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, मैंने यही बताया, बस उन्होंने यही क्वेश्चंस किए और फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जाओ। और मैंने अपनी फाइल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, जो कि मोस्टली बच्चों ने नहीं किया हुआ था, तो उस वजह से मुझे लगता है कि उनका जो मेरी फाइल्स के या मेरी परफॉर्मेंस में था वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था, तो आई होप अच्छे मार्क्स मिले मुझे। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप बता रहे हो, यू आर, जितना मैं नोटिस कर पाई हूँ, यू आर ब्रीफ विद द कंटेंट, राइट? कंटेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। यस मैम, वरना क्या होता है कि चीजें पता नहीं है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, उल्टे सीधे आंसर दे दिए, वो एक गलत इम्पैक्ट आपके वाइवा पे डालता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स अपनी फाइल्स को एटलीस्ट खुद बनाएं, क्योंकि बहुत चीजें जब हम लिखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में जाती है, राइट? ये चीज बहुत जरूरी है कि बाहर से फाइल ना ली जाए, खुद ही फाइल्स बनाई जाए। एटलीस्ट आप किस कोई पीडीएफ से देख के खुद हैंड राइट कर रहे हो, उससे क्या होगा, सीधा दिमाग में, चलो पूरी नहीं जाती है, कुछ चीजें जाएंगी जो आपको वाइवा और प्रैक्टिकल के टाइम पे बहुत हेल्पफुल। आपने एक पॉइंट यहाँ पे बोला 5 to 6 minutes वाला पर स्टूडेंट, राइट? 5 to 6 minutes एक सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं या दोनों सब्जेक्ट? दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैम बोला था, पर कैंडिडेट एक स्टूडेंट कितने मिलते हैं? यस मैम। अनदर क्वेश्चन मैम, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल देते हैं, उनको एक डाउट रहता है और हेजिटेशन और एक डर अंदर से बना रहता है, वो बेसिकली क्या होता है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि टीचिंग डेमो देना एक अपने आप में फियर आ जाता है, इंटरव्यू के भी बाद का स्टेप होता है वो जनरली, ठीक है, तो वो चीज आ जाती है। एंड फर्स्ट जो आपके बाकी कलीग्स होते हैं, क्या वो क्लास में ही उपस्थित होते हैं, वहीं पे बैठे होते हैं, या एक एक करके आप एक खाली क्लासरूम के अंदर आते हो और सिर्फ टीचर इनविजिलेटर वहीं पे होता है? नहीं मैम, जो बाकी स्टूडेंट्स थे, बाकी पीपल टीचर्स थे, वो भी वहीं पर रहते हैं और उन्हीं के सामने हमें अपना डेमो देना होता है। हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ था, सभी बैठे थे और रोल नंबर वाइज हम लोग जा रहे थे और अपना डेमो दे रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स भी वहीं रहते हैं, खाली क्लासरूम में नहीं होता है। यस मैम। और आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो होते हैं, एग्जामिनर एक होता है या एक से ज्यादा होते हैं? कुछ क्लासेस में मैम दो थे, हमारी क्लास में जिसमें मैंने दिया उसमें एक थे, तो एक से दो ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा अच्छा, मतलब बच्चों को जितने भी आपके टोटल कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं बीएड के, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया था 2 to 3 rooms में? यस मैम। 2 rooms में? यस मैम, नो मैम, 3 rooms आई थिंक, 3 rooms थे। अच्छा, रूम नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो आपके रूम में कितने स्टूडेंट्स थे? 10 to 15 थे मैम। ठीक है, और एक एक करके सबको चांस मिल रही थी रोल नंबर? यस मैम। अच्छा, और जो बाकी टीचर्स थे, मतलब आपके कलीग्स थे बेसिकली, yes. जब आप प्रीवियस नॉलेज में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्या स्टूडेंट बन के आंसर कर रहे थे? यस मैम, कर रहे थे। ये बहुत अच्छा पार्ट रहा होगा एक। यस मैम, बहुत अच्छा। थोड़ी सी यहाँ पे प्लानिंग भी कर सकते हैं, यार मेरी बारी में आंसर बता देना। यस मैम, ताकि सब कुछ स्मूथली रन कर जाए। डेफिनेटली करते भी हैं, सब कोऑपरेटिव होते हैं। हाँ मैम, बहुत कोऑपरेटिव थे बाकी जो थे, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। अच्छा, तो सभी स्टूडेंट्स का, मतलब सब टीएलएम लेकर आए थे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल? कोई यस मैम लेकर आया हो जिसने फाइल प्रिपेयर ना करी हो? मैम ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फाइनल लेसन प्लान सिर्फ एक सब्जेक्ट का बनाया हुआ था, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को खुद रिस्पॉन्सिबल होके पूछना चाहिए कॉलेज से, मैम से, जो भी हैं उनके पास टीचर, जिनसे भी कांटेक्ट हो रहा है, कि हमें क्या क्या मटेरियल लेके जाना है। तो वो बच्चे कॉलेज पे डाल रहे थे कि हमें सर ने नहीं बताया, हमें मैम ने नहीं बताया, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना है, कैसे आपको डेमो देना है, तो
फाइनल लेसन प्लान में थोड़ा सा था, बाकी जो एड्स थे वो चार्ट वगैरह लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके आए हुए थे सब बच्चे। लैपटॉप से मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी यूज करा। यस मैम, कि आज के टाइम में स्मार्ट बोर्ड्स हैं और आधुनिक दुनिया है, टेक्नोलॉजी का हर स्कूल में यूज हो रहा है, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है आज के टाइम में। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये अच्छा पॉइंट है कि अगर आप पीपीटी वगैरह या ऑडियो कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक उसमें मेहनत भी कम लगती है और इफेक्टिव भी ज्यादा होता है, तो ये चीज भी करी जा सकती है। बट चार्ट वगैरह भी बहुत जरूरी है। मॉडल किसी स्टूडेंट ने बनाया हो? मॉडल्स मॉडल्स मुझे मेरी क्लास में मैम नहीं था मॉडल का कोई बच्चा, बाकी कुछ बच्चे बोल रहे थे हमने बनाया, बट उस दिन वेदर बहुत ज्यादा खराब था, इधर बारिश बहुत ज्यादा थी, तो वो बोल रहे थे हम लोग लेके नहीं आए मॉडल, तो आई थिंक मॉडल नहीं बनाया था मैम किसी ने, जहाँ तक मुझे आइडिया है। यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ये तो रही टीएलएम की बात, ठीक है। यस मैम, अगर आपके पास पिक्चर्स हो तो जरूर शेयर करना अपने टीएलएम की। यस मैम, आई कैन, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक फिक्स कर दूँ उसका, सो दैट ओके सबको आइडिया हो जाए। अच्छा, एक ड्रेस कोड के लिए भी अगर आप कुछ बताना चाहें, क्या आपके कॉलेज ने बोला था, क्या फॉलो किया गया? यस मैम, हमारे कॉलेज ने पहले ही बोल दिया था कि फॉर्मल्स में आना है, बॉयज को भी गर्ल्स को भी, तो सभी स्टूडेंट्स फॉर्मल्स में ही आए थे, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने फॉलो किया था। फॉर्मल्स में गर्ल्स के लिए आप बताना चाहोगे क्या? सूट एंड साड़ी मैम, सूट विद दुपट्टा आई थिंक, यस मैम, है ना, क्योंकि फॉर्मल्स में वही आता है विदाउट दुपट्टा नहीं आता। यस मैम, ठीक है। और साड़ी, साड़ी किस किस ने, कितने परसेंटेज लोगों ने वेयर की थी? नहीं मैम, कोई भी नहीं था साड़ी में, तो क्योंकि आई थिंक उस दिन बारिश थी। यस मैम, बहुत ज्यादा वेदर खराब था यहाँ पर, वो 3-4 दिन ना ऐसे रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में बहुत बारिश हुई थी। यस मैम, राइट, तो वो एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज साड़ी बहुत सारे लोग पहन के जाना चाहते हैं क्योंकि एक इम्प्रेशन भी पड़ता है। यस मैम, एंड ऑब्वियसली जो एक टीचिंग डेमो होता है कंप्लीट, उसमें हर चीज के मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ जैसा आपने पढ़ाया उसके हैं, ड्रेस के हैं, आपकी आवाज कितनी तेज है, कहाँ पे कैसा आप स्माइल भी करते हो, उसके भी मार्क्स होते हैं इवन, तो हर चीज के मार्क्स हैं ओवरऑल। सो डेफिनेटली ड्रेस कोड के भी मार्क्स रहते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी को लेके आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? लाइक कुछ ज्यादा ऑर्नामेंट्स अगर आप पहन लेते हैं? नहीं मैम, नहीं पहनना चाहिए ज्यादा फॉर्मल में, बिल्कुल आपको छोटे इयररिंग्स और नेक में भी बिल्कुल, आप अगर आप एक चेन पहन रहे हैं तो ठीक है, बट जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती हैं ज़्यादा, बड़े बड़े इयररिंग्स हो गए और ये सब नहीं पहनना चाहिए, उससे शायद इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है, मिनिमल ज्वेलरी ही रखनी चाहिए मैम। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने इन सब चीज़ों को फॉलो ना किया हो, मे बी कोई फॉर्मल्स पहन के ना आया हो, कोई जीन्स टॉप में आ गया हो? हाँ, एक दो गर्ल्स थी मैम ऐसे, मोस्टली स्टूडेंट्स ने फॉलो किया था मैम। तो उनके साथ क्या कॉलेज का लाइक बिहेवियर रहा, क्या उनको अलाउ किया गया टीचिंग डेमो के लिए? हाँ मैम, एट द एंड तो अलाउ करना ही पड़ा, उन्हें थोड़ा बहुत डांटा था कि बोला था तुम्हें, फिर यही बोला उन्हें कि मार्क्स अगर कम मिलते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, यही ने बोल के अलाउ किया गया मैम। एट लास्ट जैसा आपने बोला, सब अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि देखो ये स्कूल एजुकेशन नहीं है, हम जितने हायर लेवल पे जाते हैं ना, हमें अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। 10 बार पूछेंगे तो 5 बार रिप्लाई मिलेगा, बिकॉज एट लास्ट दे आर ऑल्सो बिजी। Yes. स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कि आपको होमवर्क मिलेगा, डायरी मिलेगी, yes, आपको टीचर्स के पीछे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हम पे कर रहे हैं तो हाँ. हमें बदले में मिले, इट्स नॉट लाइक दैट। हायर एजुकेशन में ये हमारी कंट्री में ही नहीं, बाहर भी नहीं होता है, ठीक है। एक ईमेल के माध्यम से या एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही कम्युनिकेशन रहता है फॉर्मल लेवल पे, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपको एक कनेक्शन अपना फैकल्टीज के साथ डेफिनेटली बनाना होगा, राइट। टाइम टू टाइम उनको कॉन्टेक्ट किया जाए, अपने डाउट्स पूछे जाए, right? yes. और अगर ऐसा कॉलेज नहीं करता है तो डेफिनेटली यू शुड अप्रोच यूनिवर्सिटी, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जितने भी सीआरएसयू के साथ एफिलिएटेड हैं सब कोऑपरेटिव हैं।
लगभग, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये मैसेज बिल्कुल ऑडियंस को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि कॉलेज ने नहीं बताया, यस बहुत सारे स्टूडेंट्स का एजेंट यही गड़बड़ करता है, वहां पे समझ आता है यस एजेंट के थ्रू तो एडमिशन आप कम ही लो, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबल एजेंट है तो डेफिनेटली लो, बट यस आपको अपनी एजुकेशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, राइट। ओके ठीक है। कुछ फर्स्ट ईयर के डेमो की अगर आपके पास मेमोरीज हो, कुछ याद हो, क्योंकि आई थिंक 4 EPC फाइल अगर आपने भी यस देखी मैम, है, ठीक यस मैम है। फोर मतलब फाइव 4 EPC फाइल, वो भी अच्छी, क्या बोलते हो आप, डिजाइनर सी बनानी चाहिए या बस फॉर्मेलिटी के लिए बनानी? नो मैम, फाइल्स दोनों ईयर में अच्छे से अपना बेस्ट देना चाहिए मैम, मुझे यही लगता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने फाइल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, और जो हमारी एक ड्रामा वाली फाइल होती है, जो जिसमें हमें 10 to 8 डिफरेंट टाइप के इमेजेस या कुछ भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है अपनी, तो मैंने उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग चीज़ें यूज़ की थी। जैसे लेडी फिंगर वाली पेंटिंग बनाई थी, और जो दालें होती हैं उन्हें यूज़ करके मैंने बटरफ्लाई बनाई थी, और मैच स्टिक से मैंने एक गॉडेस दुर्गा को बनाया था। तो अपना बेस्ट देना चाहिए मुझे यही लगता है, और मुझे अपने कॉलेज में एक्सटर्नल से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। चारों सब्जेक्ट्स में मुझे 29 मिले थे एक्सटर्नल से 30 में से, रियली ग्रेट, यस मैम, जो कि मेरे पूरे कॉलेज में किसी को नहीं मिले थे। और इवन उन्होंने कॉलेज को अप्रोच भी किया कि ये फाइल्स हम यूनिवर्सिटी में लेके जाना चाहते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि खुद प्रिपेयर करें अपनी फाइल्स, और अपना बेस्ट दे के अच्छी फाइल्स बनाएं, अपना बेस्ट दो, बाकी मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे, बट अपने बेस्ट देने से थोड़ी नहीं, बहुत जो मेहनत का फल भी डेफिनेटली आपको मिलेगा, यस फर्स्ट ठीक है। बट ईयर के प्रैक्टिकल में उन्होंने बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा आपको, और नॉर्मल खुद के जो पीपल टीचर्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे बस। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा नहीं था। ड्राइंग्स बनाई थी, वो कितनी ड्राइंग्स आपने बनाई थी और फाइल कौन सी होती है? फाइल मैम जो आती हैं बुकशॉप पे, जो मिलती हैं फर्स्ट ईयर की, जो 4 प्रैक्टिकल्स फाइल हैं, इस नाम से ही बोल के मैंने ली थी शॉप से, उसमें ड्रामा आर्ट एंड एजुकेशन ऐसे नाम था उस सब्जेक्ट का। वो लंबी सी फाइल होती है यस मैम, ना, यस मैम, और उसके 8 to 10 लास्ट बनाए थे मैम उसके लास्ट में। यस मैम, उसके लास्ट में ब्लैंक पेजेस होते हैं, उन ब्लैंक पेजेस पे मैम मैंने 8 to 10 ड्राइंग्स बनाई थी। जितना स्पेस था मतलब उतना यस स्पेस मैम, में बनाया, ठीक है। और बाकी रिटेन मटेरियल आपने इंटरनेट से लिया या कोई PDF आपने देखा था इसके लिए? मैम हमें कॉलेज से ही PDF मिल गई थी फाइल्स की, वहां से देख के बनाया था। बट आपने उसको हाँ अच्छे से पढ़ लिया था सो दैट वाइवा की तरफ जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन यस आंसर देम वेरी वेल, यस मैम, ठीक है। एक आपकी फाइल होती है फर्स्ट ईयर में EPC की, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, ICT की फाइल जिसको बोलते हैं, यस मैम, तो उसमें कोई PPT का काम या कंप्यूटर पे कोई प्रैक्टिकल काम आपसे करवाया था प्रैक्टिकल के दौरान? नो मैम नहीं करा, कोई बोला था कि पेन ड्राइव में या मेल कर देना CD में? नो मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ना ये चीज कराते हैं, यस मैम, कुछ कॉलेजेस नहीं भी कराते हैं। अच्छा एक चीज और, ड्रामा और आर्ट की फाइल में एक वेस्ट मटेरियल से भी कुछ बनाना होता है, तो क्या यस ये ऑप्शन भी दिया था कॉलेज ने? कॉलेज ने मैम यही बोला था कि अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है बस, ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया था कि वेस्ट से भी आपको बनाना है, कुछ पर्टिकुलर ऐसा मेंशन नहीं किया था, बस ये बोला था कि अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ जितना हो सकता है। तो बेसिकली 4 फाइल्स थी और उनको बहुत अच्छे से आपको बनाना था, एंड यस ड्रामा एंड आर्ट की तो फाइल ही आर्ट की है तो डेफिनेटली यस उस पे तो आपको फोकस ज्यादा रखना है, यस डेकोरेटिव और अपनी जितनी क्रिएटिविटी आप एनहांस कर सकते हो तो उसमें वो करी जाए, राइट यस यस मैम, ठीक है। अच्छा जब आप एग्जाम्स देने गए थे अपने प्रैक्टिकल भी और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को आप मानिए, बेसिकली ऑफलाइन, यस
इसमें कोई ऐसी परेशानी आपको या आपके नजर में आई हो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये चीज अच्छी है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए? सबसे पहले तो मैम इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ऐसा होता है कि जब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो अगर बोलते हैं ना मैम, जैसे पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट इतना ठीक नहीं लगा था मुझे। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अगस्त का महीना बहुत गर्म होता है एंड यस हरियाणा में तो जब इतने सारे खेत हैं उनके बीच में एक कॉलेज होता है, वहां यस पे फार्म लैंड में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो ये हमारा तो मैम दिक्कत सिटी में ही था, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गोहाना सेंटर आया था हमारा। यस मैम, तो बहुत बस यही था मैम, इलेक्ट्रिसिटी की ही थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी मुझे, बाकी तो ठीक था मैम ऐसा ओवरऑल। कुछ की चीटिंग हो रही हो, कुछ स्टूडेंट्स को कराया जा रहा हो या और कुछ, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं मैम, ऐसे नहीं करवा रहे थे मैम, चीटिंग वगैरह को तो नहीं था। बाकी राउंड पे भी टीचर्स आते थे, और जिनके पास मिलता था ऐसे कुछ भी मटेरियल, चिट्स वगैरह, तो उनकी शीट विद चिट्स ले लेते थे वो टीचर्स राउंड पर जब क्या वो टीचर्स शीट्स आते थे। वापस करी गई या नहीं? वो मैम फिर उन्हें आधा घंटा या 40 मिनट्स के बाद उन्हें वापस दी गई। देखो सभी को यही होता है कि स्टूडेंट का ना साल बर्बाद ना हो, यस मैम, समझ वापस में दे आता देते हैं बट कुछ टाइम बाद, 30 मिनट्स मिनिमम। यस मैम, इतना ही लॉस बहुत होता है 3 घंटे के पेपर में। यस मैम, और इतना लिखने का भी होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत नुकसान होता है मैम। अच्छा, फ्लाइंग आती है किसी पेपर में, एक दो में अगर फ्लाइंग आई हो कुछ याद हो? नो मैम, फ्लाइंग नहीं, जो नो मैम, कॉलेज के ही जो टीचर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी नहीं होते हैं, जो स्टाफ रूम में होते हैं, वही बीच बीच में राउंड लगाने आते हैं, मतलब बाहर से सेंटर पे फ्लाइंग। प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस थी, राइट? यस मैम, ठीक है, थोड़ा सा आपने हाईलाइट किया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम फिजिकली अच्छा महसूस नहीं करें ना तो लिख भी नहीं पाते। यस मैम, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली आप तब सोचो जब कोविड से पहले एग्जाम होते थे जून जुलाई में, एक्चुअली यस मैम, तो उन बच्चों ने फेस किया, उन स्टूडेंट्स ने जो भरी गर्मी में जाते थे, और ऐसी प्रॉब्लम्स जनरली मिलती रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी वाली जो स्टूडेंट्स फेस करते रहे हैं। ठीक है, और कोई चीज आप बताना चाहोगे मैम यूनिवर्सिटी को जिस पे फोकस करने की जरूरत हो और इम्प्रूव करने की जरूरत हो, कुछ ऐसा अगर आपको लगता हो? क्योंकि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी पे ना टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी उठते रहे हैं, काम अच्छा करती रही है, मैंने जैसा बोला चेंजेस लाती रही है यूनिवर्सिटी। 2014 की स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, जब से बीएड की काउंसलिंग मिलनी स्टार्ट हुई 2 ईयर की, वरना उससे पहले 1 साल की बीएड होती थी, तो तब से सीआरएसयू एग्जिस्टेंस में आई, इस यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग मिलनी स्टार्ट हुई, और 2 ईयर बीएड में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यस मैम, तो कोई सजेशन अगर आप यूनिवर्सिटी को फोकस में लाना चाहो, उनकी अटेंशन में लाना चाहो? नो मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर एनी 4 का ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं ये जरूर बोलती, क्योंकि एट द एंड उन्होंने दे ही दिया था एनी 4 का ऑप्शन, एग्जाम जल्दी करवाने के, कोई अगर आया 2 शीट घर पे पहले रोज दे दी थी तो लाया फिर उन्होंने दे दिया था। तो ये चीज मैम तो कुछ नहीं है मैम, ऐसा तो वो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना जिस चीज के लिए, भाई हम एग्जाम नहीं देंगे, ये चीज तो यस चाहिए ही चाहिए अब, वो मैम, वाला सीन हो गया था स्टूडेंट्स का, दैट दे वांटेड इट एनी हाउ, चाहिए यस एनी मैम, फोर का क्योंकि ऑप्शन तो। थोड़ा सा जल्दी हो गए थे एग्जाम, तो इस वजह से वो था। अगर थोड़ा सा लेट होते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ जी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर एंड में, यस मैम, इस टाइम पे हम एग्जाम स्टार्ट होने का, आज 30th एंड वी आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, यस 29th से हम एग्जाम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये एनुअल कैलेंडर में भी था 1.5 महीने पहले एग्जाम लेना, तो यूनिवर्सिटी को ऑब्वियसली रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा, तो ये चीज थी। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, फर्स्ट ईयर के परसेंटेज अगर आप शेयर करना चाहो? फर्स्ट ईयर के मैम 72 थे मेरे, वेरी वेरी घर नाइस, पे मैम थोड़ा सा
अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन हो गई थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। इस वजह से 72, अदरवाइज़ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मेरे 72 मार्क्स आए हैं, मैं और एक्सपेक्ट कर रही थी। बट ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो हमें जितनी मेहनत करी उतना मिल गया। यस मैम, कोई बात नहीं, आपने सेकेंड ईयर में और मेहनत करी, इतनी अच्छी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई हैं। सो डेफिनेटली मैम, हम उम्मीद करते हैं ये 75% अबव जाएगा एंड फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन के साथ आपको डिग्री डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू मैम एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मैम। दिस इज द बुक, ये हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने हेल्प करी, बिकॉज आई थिंक यूट्यूब जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, या इंटरनेट हो गया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से बाकी लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। अगर आज से 10 साल पहले आप देखोगे, इफ आई विल टॉक अबाउट मी 2015 का, तो वी वर ब्लैंक, कोई माध्यम नहीं होता था जहां से प्रीवियस ईयर मिले, जानकारी मिले कुछ। यस मैम, मैंने दोनों ईयर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए थे और वो बहुत हेल्पफुल रहे थे मैम मेरे लिए। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मैम के प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लें, बहुत हेल्पफुल होते हैं वो पेपर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। आई रिमेम्बर 2015 में हमारे पास सोर्स नहीं होता था। Yes, हम लाइब्रेरी जाते थे, वहां पे हमें बाहर निकाल दिया जाता था, परेशान कर देते थे लाइब्रेरियन को। सीनियर्स के पास जाते थे, उनको आइसक्रीम खिलानी पड़ती थी, फिर जाके क्वेश्चन पेपर्स मिलते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर्स हैं तो थोड़ी सी डिमांडिंग तो होंगे, तो ऐसे उस टाइम पे था। बट आज की प्लेटफॉर्म्स को अगर हम देखते हैं ना, इंटरनेट की, डिजिटल वर्ल्ड को, इतना हेल्पफुल हर चीज को बना दिया है। आप यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, हर चीज आपको मिल जाएगी, थोड़ी मिलेगी पर मिलेगी जरूर। yes, ठीक है, तो ब्लैंक आज के टाइम में कोई नहीं है, सब मतलब वहां से हर चीज की जानकारी ले सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं, फ्री बहुत सारी ऐसा मटेरियल है कि आपको कुछ स्पेंड भी नहीं करना है तो भी ले सकते हो, या स्पेंड करना चाहते हो तो भी आप कंपेयर करके चीजों को ले सकते हो, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। सो दिस इज द बुक, एंड जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो सर की तरफ से आपको कर दी जाएंगी व्हाट्सएप पे, एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द बुक। इस बुक का रिस्पांस आप मुझे जरूर दीजिएगा। यस मैम, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसे जितने अच्छे थे, मुझे लगता है बुक भी वैसे ही बहुत अच्छी होगी और मेरी सीटेट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल, आप तो मैम नेट क्वालिफाइड हो, सीटेट तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो, बिकॉज जनरली सीटेट के बाद सब नेट की तैयारी करते हैं। यस मैम, ऐसा सीक्वेंस रहता है। यस मैम, क्रैक करना अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट है, एंड सीटेट भी आपका डेफिनेटली होगा। मेरी विशेस हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। दिसंबर 2022 में है, डेफिनेटली क्रैक करिएगा, रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। यस मैम, बिल्कुल। तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रॉम आवर चैनल साइड एंड ऑडियंस की तरफ से भी, जो भी व्यूवर्स आपको फ्यूचर में देखेंगे एंड आपसे नॉलेज लेंगे, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में आपका ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू मैम।